नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन बेस्ट फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो रेसिपी जो है बनाएंगे हम बड़ी। जो बड़ी हम बनाएंगे, इस बड़ी को आप लोग 4 से 5 साल तक रख सकते हैं। इसमें जो है कीड़े मकोड़े झाले कभी नहीं पड़ेंगे। तो आज हम वही ट्रिक आप सबके बीच में साझा करने जा रहे हूँ। मिर्चे को हमने धोकर डाल दिया है धूप में सूखने के लिए। तो अब हम अदरक को भिगोएंगे ताकि अदरक का छिलका अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। तो अब हम उड़द दाल भिगोएंगे। तो उड़द दाल को हम 3 घंटे तक फूलने देंगे। तो बड़ी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं। अब बड़ी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि हर सब्जी में डाला जाता है, खाने का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है। तो बड़ी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं। जो हमने उड़द का दाल भिगोया हुआ था, इसका छिलका जो है पूरी तरह से फूल गया है उड़द का दाल हमारा। और 1.5 किलो हमने यहाँ पे उड़द दाल भिगोया हुआ है और 5 पाव हमने अदरक भिगोया हुआ है छिलका को उतारने के लिए। और भिगोने के बाद छिलका अदरक का बहुत ही आसानी से उतर जाता है। तो एक पाव हमने सूरन लिया हुआ है, बिल्कुल देसी सूरन है। और यहाँ पे हमने भतुआ लिया हुआ है, हम लोग गाँव में इसका कोहड़ा भी बोलते हैं, तो 1 पाव ये भी है। और यहाँ पे हमने 2 किलो लाल मिर्च और हरा मिर्च लिया हुआ है जिसे हमने धोकर सुखा लिया है। और 1 पाव धनिया है, 1/2 पाव जीरा है, 1/2 पाव मेथी है, 50 ग्राम राई है। और 1 पेटी हमने हींग लिया हुआ है और 100 ग्राम हमने गरम मसाला लिया हुआ है। तो इसे भी हमने धूप में डालकर सुखा लिया है। तो गरम मसालों में हम साबुत धनिया मिलाएंगे क्योंकि गरम मसाला और धनिया को हमें पीसकर पाउडर बना लेना है बड़ी में डालने के लिए। तो आज हम जो बड़ी बनाएंगे दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट काफ़ी अच्छा बनाएंगे। और बड़ी जो है हर रेसिपी में डाली जाती है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो अदरक को खुरेज कर इसका छिलका हम उतार लेंगे और सूरन का भी छिलका हम उतार लेंगे, पेठे का भी छिलका उतारेंगे। तो सबसे पहले हम उड़द की दाल को हम धोकर साफ करेंगे। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो इसी तरह से हम मसाल मसाल कर दाल का छिलका उतार लेंगे। 3-4 पानी धोने के बाद दाल जो है पूरी तरह से साफ हो जाता है। उड़द दाल को हमने धो लिया, आप सब देख सकते हैं छिलका इसका जो है पूरी तरह से साफ हो गया है। अदरक को हमने छिलका उतार कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सूरन का छिलका उतार कर इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पेठे को भी छिलका उतार कर काट लिया है। तो अब हम मिक्सी जार में इसे पीसेंगे। आप जो है सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीसेंगे गरम मसाला, क्योंकि जार अभी हमारा सूखा है तो सूखे जार में हम मसाले को पीस लेंगे। तो इसे भी हमने धूप में डाला हुआ था सूखने के लिए ताकि मसाले को हम अच्छे तरीके से पीस पाएँ। तो इसी तरह हम मसाले को पीस लेंगे। तो पेठे को हमने बारीक पीसा हुआ आप सब देख सकते हैं। तो हम सूरन को पीसेंगे, तो उसे भी बारीक ही पीसना है। तो सूरन जो हम डाल रहे हैं बिल्कुल देसी सूरन है। देसी सूरन डालने से बड़ी जो है बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने देसी सूरन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब हम अदरक को पीसेंगे, तो इसे भी थोड़ा, तो अदरक को ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है, थोड़ा सा बारीक पीसना है। तो इसे हम एक थाली में रख देंगे। तो अब हम उड़द दाल पीसेंगे, तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम पीसेंगे। तो इसे हमें हल्का सा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है ताकि बड़ी हमारी जो है ज़्यादा टाइट ना हो, मुलायम हो। तो दाल को हम थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे। तो आप सब देख सकते हैं पास से, तो ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा डालकर दाल को पीस के तैयार करेंगे। तो दाल को हमने पीस लिया है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा भगोना लिया हुआ है, उड़द की दाल को हम भगोने में डाल देंगे। और दोस्तों वीडियो को हमारे आप लोग पूरा देखते रहिए ताकि बड़ी जो है पूरी तरीके से आप लोग सबको जानकारी हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देंगे कद्दू सूरन जो हमने पीसा हुआ था। उसी में हम डाल देंगे अदरक। तो इन सभी चीज़ों को हम एक में मिक्स कर देंगे। तो अदरक और सूरन को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम गड्ढा बना लेंगे इस तरह से। तो उड़द दाल को हमने अच्छे से फैला दिया है। तो एक जगह हम हींग को डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले, राई, मेथी और जीरा। तो ये सभी चीज़ों को हम डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। तो इन मसालों को हम
पानी से भिगो देंगे, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मसाला भीग जाएगा उतना ही हम पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से फूल जाए। तो अब हम हींग वाले जगह पानी डालेंगे। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से पीठी से पैक कर देंगे फूलने के लिए। तो अब हम इसे एक रात के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए, ताकि मसाला और मेथी जीरा फ्राई अच्छे से फूल जाए। और हींग जो मिर्चा हमने लिया हुआ है, मिर्चे को हम सुबह जो है मिक्सी जार में डालकर इसे भी पीसेंगे। तो एक रात बीत गया है, आप सब देख सकते हैं मसाला हमारा फूलकर रेडी हो गया है। तो अंदर हम आप सबको दिखा देते हैं, तो आप सब पास से देख लीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेथी और गरम मसाले जो हमने पीसा हुआ था पूरी तरह से फूल गया है, और हींग भी इसमें फूलकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल हम इसलिए डालेंगे ये बड़ी जो हम बना रहे हैं तो इसमें जो है कीड़े मकोड़े झाले कभी नहीं लगेंगे सरसों का तेल डालने से। सरसों का तेल डालने से बड़ी कभी खराब नहीं होती है, तो इसमें हम डाल देंगे एक पाव सरसों का तेल। और यहाँ पे हमने मिर्चे को पहले से ही कूट कर रख लिया है, आप सब देख लीजिए। तो थोड़ा दरदरा ही हमने कूटा हुआ है, तो मिर्चे को हम डाल देंगे। तो हाथों में हम लगा लेंगे सरसों का तेल ताकि मिर्चा जो है हाथ में लगे ना। तो अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से एक में मिक्स कर देंगे। और बड़ी आप लोग चाहे जब भी बनाएं तो सरसों का तेल ज़रूर डालें, और सरसों का तेल डालने से जो है बड़ी कभी ख़राब नहीं होती है, 2-3 साल तक रखकर खा सकते हैं। इसमें झाले और कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट दिया है, आप सब देख सकते हैं। तो अब इसे हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे। तो अब हम बड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो बड़ी डालने से पहले जो है देवी देवता का नाम लिया जाता है, और जो हम बनाए हुए हैं उसे हम 5 लंबे आकार में बनाकर रख लेंगे। तो इसे गांव में जो है शुभ माना जाता है, तो 5 जो है लो इस तरह से बीच में बनाकर रख देते हैं। तो 5 पिंडी हमने बना दिया है, ऊपर से हम लाल मिर्चा खोस देंगे। तो अब हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। अब हम 5 बड़ी में जो है सिंदूर टीक देंगे। तो अब सिंदूर का हम लोग जो है टीका लगाएंगे, अब दीदी को लगाएंगे। तो अब चलिए बाड़ी बनाना शुरू करेंगे। मची आई भाई टीनी सासु तबाहु से राजा कारई बाहु से राजा कारयो बाहु के थुआ कहई तोरी माई ताके तू कब पैया त दे तू ना बताई हुआ। मची आई भाई टीनी सासु तबाहु से राजा कारई बाहु उसे आराज करई हो गंगा तहाई मोरी माई त जमुना बापैया हाय नि जमुना बापैया हाय हो सासु सुनु जुनारायण मोरा बीरा नवाय अंगनवा रोज आवई तुम घरवा रोज आवई हो। मचियाई भाई टीनी सासु त बहु से आराज करई बहु से आराज करई हो बाहु मटिया कहाई तोहरी माई त काटे कब पाइया त काटे कब पाइया हुआ बाहु छावा कहाई तर बीरा नाय लाये नाही डोलाई बोलाये नाही बोलाई हो बाहु फाटी गए गौने काचू नरिया बीरन नाही आए बीरन नाही आए हूँ इतनी वचन धन सुनई सुनही नाही पावई सुनही नाही पावई रही के रात बहुटनी दब लीन पियरिया त दब लीन पियरिया त गंगा आसान न करई गंगा आसान न करई हो पूरी के लागई मोरा पाइया त गंगा से राजा करई गंगा से राजा करई हो गंगा माई हमारा सुनीला मेहनवा मेहना तू छोड़वती मेहना तू छोड़वती मोरा सासु मेहनवा मोरी मारिनी छति मोरा फाटई छति मोरा फाटई हो। मचियाई भाई ठीनी सासु त बहु से राज करई बहु
से आरा जकाराई वा बाहू तोरा वीरनवा आई बाटनियो भैया भाई ठावती हो भैया भाई ठावती हुआ सासू फाटी गाय नि गाने काचू नरिया वीरना नाही आए नि वीरना नाही आए नि कैसे वीरना आए नि हो मोरा जोना ताना मारा तू भूली जारी जाती भूली मोरी जाती हुआ बाहू तोरा वीरन आई बाटनियो भैया भाई ठावती हुआ भैया भाई ठावती हुआ सासू मोरा वीरन बाहन छड़ावा ही लाए नाही ढोलाई बोलाए नाही बोलाए तो कैसे आए नी हमारे दूर मोरे वीरन हुआ। तो बड़ी को हमने डाल दिया है, अब बड़ी को हम 3 दिन कड़ी धूप में सुखाएंगे, मिलते हैं 3 दिन बाद। 3 दिन बीत गया है तो आप सब देख सकते हैं पास से कि बड़ी जो है हमारा पूरी तरह से सूख गया है। तो कड़ी धूप में हमने अच्छे से सुखाया हुआ है, तो ये बड़ी जो है आप लोग जो है 4 से 5 साल तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक कांच का जो है बर्तन लिया हुआ है, इसे हमने धोकर सुखा लिया है। तो अब हम बड़ी को जार में रख देंगे सुखाने के बाद। तो बड़ी को हमने जार में भर दिया है, ऊपर से हम लगा देंगे ढक्कन। तो ढक्कन लगाकर इसे हम अच्छे से पैक कर देंगे ताकि इसमें बाहर का हवा बिल्कुल न जाए। तो दोस्तों आज का बड़ी बनाने का तरीका आप सबको कैसा लगा, और हमारी दीदी ने जो गाना गाया आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आज का हमारा वीडियो लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।